तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 यानी कि आकलन कार्यपत्रक 17 के बारे में। सब्जेक्ट आपका हिंदी क्लास 9th, जो कि आपको 24 मार्च को यानी 24 मार्च को प्रोवाइड किया जाएगा। पूर्णांक है 20 यानी कि 20 नंबर के आपका टेस्ट है, ठीक है। तो इस असेसमेंट को करने से पहले अगर आपने देखो ध्यान से साइंस SST और मैथ नहीं किया तो वो भी अपलोड है इस वीडियो के कमेंट में। देखो वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन मत देखना, कमेंट में सबसे ऊपर लिंक पेस्ट है, ओपन करोगे तो प्लेलिस्ट की लिंक है, ऑल सब्जेक्ट असेसमेंट लाइन से आ जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप कर लेना साइंस SST मैथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक 3 अंकों का तथा प्रश्न संख्या 6 5 अंक का है। तो हमें सबसे पहले इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है, तो गद्यांश को मैं पढ़ूंगा नहीं, पैराग्राफ में से ही आंसर आपको बताऊंगा, तो रीडिंग एक साथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो फटाफट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के अनुसार नानी एकदम मुंहजोर क्यों हो उठी, आपकी समझ में मुंहजोर होना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पहले इसका आंसर देखो, गद्यांश के अनुसार नानी एकदम मुंहजोर क्यों हो उठी, तो पहली लाइन में इसका आंसर है। देखो ये लिखा है, यहाँ से पढ़ो, जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर ये हो गया। फिर कह रहा है कि आपकी समझ से मुंहजोर होना क्या है, तो पहले आंसर नंबर 1 देखो, क्वेश्चन यहाँ से लिख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से लिख लो, आंसर 1 देखो, आंसर नंबर 1 में लिखो, गद्यांश के अनुसार नानी ने कम उम्र में जब खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। और फिर कह रहा है कि मुंहजोर का अर्थ क्या है, लिखेंगे मुंहजोर का अर्थ कटु बातें करने में संकोच ना करना या किसी के मुँह पर बिना लिहाज किए उल्टी सीधी बातें कहना, ठीक है ना, इसका मतलब होता है मुंहजोर, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, इसमें दोनों का आंसर क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर टू गद्यांश के अनुसार पर्दे का लिहाज छोड़कर नानी किससे मिलना चाहती थी, तो पहले इसका आंसर देखो फिर लिखकर बताऊंगा। इसका आंसर ये है, ठीक है, ये लिखा है गद्यांश के अनुसार, देखो ये लिखा है, पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती थी, ठीक है, ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। तो देखो आंसर मैंने कैसे लिखा है, क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लो, आंसर देखो, ठीक है, क्वेश्चन 2 यहाँ से लिखो, आंसर 2 देखो, ठीक है। आंसर नंबर 2 में लिखोगे, गद्यांश के अनुसार पर्दे का लिहाज छोड़कर नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती थी, और ये कौन था, ये उनके पति का दोस्त था, ठीक है ना, आगे ये भी लिख सकते हो, ये उनके पति के दोस्त थे। तो आपको टोटल ये लिख लो, आपका आंसर हो गया, एक लाइन और ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो गया कि स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहते थे, वो कौन था, उनके पति का दोस्त, ठीक है। आंसर 2, क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3, गद्यांश के अनुसार नानी ने प्यारे लाल शर्मा से क्या वचन लिया, तो इसका आंसर पहले पैराग्राफ में देख लो और फिर मैं आपको लिख कर बताऊँगा, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में इसका आंसर देख लो, ये लिखा हुआ है, उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए आप वर तय करोगे, और ये भी उन्होंने बोला था कि आप अपनी तरह सिपाही आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए, ठीक है ना, यही वचन था उनका, ठीक है, क्लियर है। तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा कैसे है, क्वेश्चन 3 यहाँ से लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 देखो, आंसर नंबर 3, गद्यांश के अनुसार नानी ने प्यारे लाल शर्मा से वचन लिया कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए, ठीक है ना, यही वचन था उनका, ठीक है, आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के अनुसार आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा, ये वाक्य किसने कहा और क्यों कहा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर पहले देख लो, आपको तो पता ही है नानी ने कहा था ये वाक्य, ठीक है, नानी ने कहा, और क्यों कहा, इसका मेन कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा, मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के
फरमाबरदार, ठीक है ना, फरमाबरदार से हो, ठीक है ना, फरमाबरदार से हो, ये वो चाहती नहीं थी इसीलिए, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने बोला था। और ये किसने कहा था, नानीन कहा था। तो इसका आंसर देख लो, अब लिखा कैसे है मैंने, क्वेश्चन फोर यहाँ से लिख लो, आंसर फोर देखो, आंसर नंबर फोर में लिखो, गद्यांश के अनुसार आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा, ये है कथन नानी ने कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके पति जो साहब हैं वह अपनी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से करें, ठीक है ना, क्लियर है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था, किससे, स्वतंत्रता सेनानी से, ठीक है, उनके दोस्त से, क्लियर है, आंसर फोर। अगला देखो क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार नानी ने मौत के करीब खुद को कब पाया, उनकी सबसे ज़रूरी इच्छा क्या थी, ठीक है, तो इसका आंसर पहली लाइन में ही था, ठीक है, कम उम्र में ही नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, ठीक है, और उनकी इच्छा यही थी कि उनकी बेटी की क्या हो जाए, शादी हो जाए, ठीक है, क्लियर है, तो आंसर फाइव देखो, क्वेश्चन फाइव यहाँ से लिखो, आंसर फाइव देखो, तो आंसर फाइव में लिखोगे गद्यांश के अनुसार नानी ने मौत के करीब खुद को कम उम्र में ही पाया, नानी की ज़रूरी इच्छा यह थी कि उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो, ठीक है, ये दोनों का आंसर हो गया, आंसर फाइव हो गया, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऐसे ही लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स और लास्ट है, गद्यांश के आधार पर नानी के चरित्र की पांच विशेषताएं लिखी है, ठीक है, ये लास्ट है, तो आंसर सिक्स देखो, ठीक है, ये लास्ट है, तो आंसर नंबर सिक्स देखो, क्वेश्चन सिक्स लिख लो यहाँ से, आंसर सिक्स देखो, आंसर सिक्स, नानी के चरित्र की विशेषताएं, पहला नानी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं, नंबर एक नानी अनपढ़ और परंपरागत नारी थी, दूसरी विशेषता नारी के मन में स्वतंत्रता के प्रति जुनून था, तीसरी वह स्पष्ट वादिनी थी, मतलब साफ साफ बोलती थी चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, ठीक है, चौथा वे हर बात पर उचित राय सलाह दिया करती थी, पांचवा वे पर्दा नसीन का मतलब पर्दा करने वाली तथा दूसरों की जिंदगी में दखल ना देने वाली महिला थी, ये पाँच विशेषताएँ हो गई, ठीक है, आंसर सिक्स की, ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट 17 कंप्लीट हुई, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।